नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही सिंपल गार्डनिंग चैनल में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना एक ऐसा विंटर का प्लांट दिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा तोरनिया का प्लांट। और देखिए, इसमें अभी फ्लावर्स थोड़ा छोटा आया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हैवी क्वान्टिटी में फ़्लावर्स आते हैं इसके। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास दो कलर के टोरनिया के प्लांट्स हैं। ये फ्रेंड्स, एक पर्पल है शेडेड में और एक ही पिंक। फ्रेंड्स, इसमें भी और भी कलर्स आते हैं, एक मैंने वाइट कलर का भी देखा है और अगर मुझे मिला तो मैं उसको भी ज़रूर से ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, अगर थोड़ी सी केयर करते हैं तो फ्रेंड्स ये समर्स में भी बहुत अच्छे से चल जाता है ये प्लांट। और फ्रेंड्स, ये सीड से बहुत इजी ग्रो हो जाता है, आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, बट अभी तो पूरी तरह से फ्लावरिंग पर है और बहुत छोटा प्लांट है फ्रेंड्स, अभी तो मैं इसकी कटिंग वटिंग नहीं करूँगी, थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी ले ले। और देखिए, पूरे ही प्लांट्स में इसमें कलियाँ बनी हुई हैं फ्रेंड्स। और जो ये प्लांट जो हमारे यहाँ गलियों में प्लांट्स बेचने आते हैं उनसे मैंने परचेज़ किया है, ये मुझे इन्होंने 20 रुपीज़ का एक प्लांट दिया है फ्रेंड्स। और उनके पास इसमें और कलर्स होते तो मैं लेती, लेकिन मैंने अभी दो ही कलर्स मुझे मिले, मैंने दो ही कलर्स दिए। और ये बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये मैं दिखाना चाहूँगी, ये है सी वीड्स फर्टिलाइज़र है, आज मैं इसको इसकी मिट्टी में ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा छोटा ही गमला है फ्रेंड्स, मैं इतना चारों तरफ इसकी मिट्टी में ऐसे ऐड करूँगी आज ही। फ्रेंड्स, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। और फ्रेंड्स, इसको आप विंटर में पूरी सनलाइट दीजिए और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और फ्रेंड्स, इसको मैं काफ़ी दिनों से कई मैंने नर्सरीज में पूछा बट मुझे मिला नहीं है, और आज मुझे ये कल मैं लाई थी इसको शाम को और ये मुझे मिला, तो मैंने कल ही रिपोर्ट भी कर दिया क्योंकि बहुत जल्दी फ्रेंड्स ये अपनी ग्रोथ ले लेता है और पूरे गमले को ये कवर कर लेगा। और इसका फ्लावर्स अभी फ्लावर पूरी तरह से खिला नहीं है, ये पर्पल वाला। और ये बहुत जब बहुत सारा पूरे प्लांट को कवर कर लेता है फ्लावर्स, तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, ये देख रहे हैं आप। और फ्रेंड्स, ये मेरा पिंक का रेड वाला भी। फ्रेंड्स, ये मेरा डेंटस, तो आप देख ही सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये मेरी डेंटस की कटिंग है फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं आप, इसको भी मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया, इसमें तो बर्ड्स भी बनने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको जल्दी ही रिपोर्ट कर दूँगी। इस टाइम मुझे थोड़ा गमलों के लिए दिक्कत है, मैं गमले लेकर आती हूँ तब मैं इसको रिपोर्ट करूँ। और फ्रेंड्स, तोरनिए के लिए तो मैं कहूँगी इसको आप भी अपने गार्डन में विंटर में ज़रूर से ऐड कीजिए, और ये समर में भी अगर आप थोड़ी सी केयर करते हैं तो फ्लावरिंग करेगा ये फ्रेंड्स, बट उतनी नहीं करेगा जितना विंटर में करेगा। और इजी समर में भी आप इसको बचा सकते हैं, बट बहुत तेज़ धूप से थोड़ा सा बचा लीजिए तो आप ये प्लांट आपका बचा रहेगा। ये देखिए, और ये सीड से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसके सीड बहुत छोटे होते हैं, दिखते तो नहीं जल्दी, लेकिन ये खुद ही जैसे विंका होता है कि फ्रेंड्स अपने हाथ अपने आप से निकल आता है फ्रेंड्स, ये भी ऐसे ही निकल आते हैं इसके सीड्स उड़ उड़ के। और ये कटिंग से भी बहुत इजी चल जाता है, अगर आपको उसका कहीं प्लांट मिलता है तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये है मेरा वाइट रोज, आप देख सकते हैं कितना प्यारा फ्लावर आया है इसका, और भी इसमें कलियां बन ही रही हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।